150वीं जन्मवर्ष घाट है। और आप देखिए, इस समय मेरे पास दाएं बाएं दो दो गांधी जी हैं, क्योंकि 100 के बाद एक गांधी जी और चालू जाने चाहिए। तो याद दिला रहे हैं कि गांधी जी ने अपना क्या संकल्प सोचा था, मेरा भारत तो स्वच्छ अपना, ये उनका था एक सपना। तो आज हमारे इस गांधी जयंती पर हम बच्चों से कह रहे हैं, और बच्चे वो उम्र है जिसमें अगर उनकी सोच वो बदल दें तो आगे उनके लाइफ में उनका वो एक व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है। हम बच्चों से कह रहे हैं, आज अपने लिए बस एक ही सोच को लेकर चलिए, प्लास्टिक को छोड़ने का लेंगे संकल्प और ढूंढेंगे इसका दूसरा अच्छा विकल्प। कुछ करेंगे ऐसा कि हर कोई करने जाएगा हमारे जैसा। इसलिए बच्चों से कह रहे, शर्म छोड़िए, प्लास्टिक छोड़िए, मत करो अपने देश को मेला, और जब भी घर से बाहर निकलो साथ में लेके चलो कपड़े या जूट का थैला। और ये अगर बच्चों की सोच में प्रयास आ गया, पहले कोई चीज प्रयास होती है, फिर वो अभ्यास में प्रैक्टिस में आता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज बच्चों की छोटी सी जो कोमल उम्र है, जिसमें इनको हम जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं, इन्होंने सोच रखी है, और अभी इन सब यही बोला है कि हमको इस काम को आज से अपना सबसे इम्पोर्टेंट अहम कार्य लेकर चलना चाहिए, हमारा देश में योगदान होना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक संकल्प किया था कि फर्स्ट यूज प्लास्टिक, इसको सबसे पहले जिसकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम होती है, और सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा एक तरह से अंदर घर कर चुका है, हर बच्चे से कहा है कि हमको सबसे पहले इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि 2022 तक ये फर्स्ट यूज प्लास्टिक हमारे देश से साफ हो जाए। तो बच्चों को यही हम एक सोच दे रहे हैं, इसीलिए आज हमारा एलन मुंबई से लगभग 2500 की यहाँ पे गैदरिंग जो आपको दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, हरा भरा, और हरे का मतलब ग्रीन सिग्नल, और ग्रीन का मतलब नो हडल, नो बैरियर, बस इनके लिए कोई बैरियर नहीं है, अब ये आगे बढ़ चुके हैं। ओके, नेहरू जी भी कह के जा चुके हैं, आगे बढ़ो रे जवानों, तुम्हें देश की कसम, और देश की कसम भारत माता की कसम। जय हिंद, वंदे मातरम। आज महात्मा गांधी के अवसर पर हमारे CRPF की तरफ से हमारे 300 जवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पर आम पब्लिक के लोग भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, हम लोग सब लोग आज यहाँ पर बीच क्लीनिंग के लिए आए हुए हैं। करीब 2 घंटे में हमने बीच काफ़ी क्लीन सफाई की है, और ये एक सफाई का अभियान एक कोई वन टाइम अफेयर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। लगातार हम लोग जहाँ पर भी हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें। जो केंद्र सरकार की जो मुहिम है, स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसमें हम लोग सहभागी बने, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखें। इसी के साथ साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भी बैन हो गया है, और हम लोग कोशिश करें कि धीरे धीरे करके उसको अपनी जीवन शैली से हटाएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बहुत घातक परिणाम हो रहे हैं पर्यावरण पर, और जो आने वाले दिनों में हम लोग के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम लेकर के आएंगे। तो हम सभी जागरूक बने, सिंगल टाइम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करें, आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज इस बीच पे हम सभी लोग आकर के ये बीच क्लीनिंग अभियान में भाग ले रहे हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने कुछ अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ही दिन सफाई नहीं होती है, हमको रोज़, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, एक बार साफ सफाई हो गई तो हमको बाहर वाले लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BMC इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब, ओनली बिकॉज हमारे बैड हैबिट्स के कारण जू बीच और वर्सोवा बीच खराब हो गए। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको पूरा साफ करके BMC को सौंप दें, और हम लोग आके इधर स्वस्थ वातावरण में सांस लें। मैं 75 ईयर्स की होके जू बीच जाके 2 घंटे सफाई करके आई हूँ, और अभी 2 घंटे यहाँ रहूँगी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ CRPF। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।